बच्चों आज हम लेसन सेवन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे पहले हैं फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट इज नंबर वन पे करेंगे वाटर हेल्प इन डैश ऑफ़ फूड इन एनिमल्स जो वाटर है वो एनिमल्स में किस में हेल्प करता है डाइजेशन एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड पानी में रहने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं बच्चे एक्वेटिक एनिमल्स एंड थर्ड इज एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड और कॉल्ड जो एनिमल्स पानी और लैंड दोनों पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं एम्फीबियस एनिमल्स एंड फोर्थ वाटर ट्रैप्ड बिटवीन अंडरग्राउंड रॉक इज कॉल्ड जो वाटर अंडरग्राउंड रॉक में ट्रैप होकर जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं एंड फिफ्थ इज डैश एंड डैश आर एक्टिक प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स के आपने दो एग्जाम्पल देने हैं फर्स्ट इज लोटस एंड सेकेंड इज हाइड्रेला नेक्स्ट जो हम अब करेंगे राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट इज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स सीड जर्मिनेशन के लिए पानी की जरूरत होती है बच्चे क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स

Next, tick the correct. Sorry, number fifth. River water is purified for drinking purpose. Yes, true. Now, Tick the correct option. First is about ninety-seven percent of water is present in seas and ocean, lakes, ponds, or glacier. Right option is seas and ocean. And number two, plants absorb water from the soil with the help of स्टेम लीव्स, ब्रांचेस या रूट्स जो प्लांट्स हैं वो कैसे न्यूट्रंस को ऑब्जॉर्व करते हैं रूट्स के हेल्प से और हेट इज़ यूज फॉर सप्लाइंग वाटर थ्रू टैप्स, प्योरीफाइंग रिवर वाटर ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन अब्जॉर्विंग वाटर फ्रॉम द सॉयल रेहड किस लिए यूज होता है ड्रॉइंग आउट ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन नंबर फोर्थ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियस एनिमल इज़ फिश फ्रॉग हाइड्रिला और डकविड एम्फीबियस एनिमल्स बताना है बच्चे कौन सा होता है इनमें से फ्रॉग